हेलो, कैसे हैं आप सब गाइस? ये मेरा पहला वीडियो है, पहला व्लॉग है। मेरे अंदर एक्साइटमेंट तो है ही है, बट उससे ज़्यादा मेरे अंदर नर्वसनेस है। अब नर्वसनेस क्यों है ये तो आपको पता ही होगा, जब कोई पहला व्लॉग बनाता है जाहिर सी बात है कि उसके अंदर नर्वसनेस कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, नर्वसनेस तो चलती ही रहेगी और धीरे धीरे जब मैं और वीडियो बनाऊँगी तो मेरी नर्वसनेस भी ख़त्म हो जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज वैसे मौसम बहुत अच्छा है और मौसम तो अच्छा है ही। देखो पक्षी भी बहुत खुश हैं। ठीक है, हर जगह मतलब जो पक्षी हैं बहुत ज़्यादा मतलब चिल कर रहे हैं, एकदम खुश हैं, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। क्योंकि पक्षी इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको गर्मी में जो उनकी बुरी हालत हो जाती है, पक्षी छोड़े इंसान की भी बुरी हालत हो जाती है। ठीक है, अब बुरी हालत क्यों होती है तो पता है, गर्मी क्यों होती है इतनी समझ में नहीं आता, लोग बाग इतना पेड़ क्यों काटते हैं। अच्छा देखो, सारे जो पक्षी हैं ना इतने खुश हैं आज, इतने चिल कर रहे हैं हवा। वो देखो उधर की साइड देखो, उधर कितने सारे पक्षी बैठे हैं, है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही थी, आज मेरी फर्स्ट, जैसे मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मेरे को एक चीज़ आपको बोलनी थी। जैसे अभी तो चलो ठंडा मौसम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठंडे मौसम में तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे बारिश नहीं आती, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और गर्मी में पक्षी इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको पीने को पानी नहीं मिलता, तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी छत पे मिट्टी के बर्तन, दो मिट्टी के बर्तन तो ज़रूर भर के रखिए, ताकि पक्षियों को पीने को पानी मिले। और वो पता है उनको पानी मिलेगा ना तो सच में वो बोल नहीं सकते, बट वो बहुत दुआएं देते हैं और ऐसी दुआ कौन नहीं लेगा, है ना। चलो और बताओ कैसे मैं बहुत नर्वस हूँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, और मैं तो मुँह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, मुझे पता भी नहीं। बाद में जब मैं अपनी वीडियो देखूँगी ना तब मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने ये बोला है, तो कोई बात नहीं, चलता है। और बताइए। अच्छा मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम पूनम है और पूनम कौर, ठीक है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी छोटी सी बेटी है और मम्मी पापा हैं यानी सास ससुर, और जेठ जेठानी हैं, भैया भाभी, और उनकी एक छोटी सी बेटी है पाखी, वो अभी पढ़ाई कर रही है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अभी उसकी क्लास लगी हुई है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ढीट होते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं हैं जब तक उनको डांटना पड़े। उससे मैं आपको बहुत मिलवाऊंगी, वो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, आपको इतना हंसाएगी ना, इतना हंसाएगी पूछो मत। चलिए मैं आपको पाखी से मिलवाती हूँ। हाय पाखी। हाय। हेलो करो। हेलो। क्या कर रहे हो? मैं अपना होमवर्क कर रही थी। क्या बनाया आपने, दिखाओ। चूहा। ओ पाखी ने चूहा बनाया, रेड। मेरी हिंदी की क्लास चलती है, मेरी चार क्लास चलती है, चार। ओ आपकी चार क्लासेस होती हैं, आराम से बेटा। अच्छा पाखी अपने बारे में बताओ। मेरा नाम परिणीत कौर है और मेरे पास छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है गुरन, वो बहुत शरारती करती है, वो अपने खिलौने फेंकती है। खिलौने फेंकती है? हाँ। कौन से खिलौने, कौन से खिलौने फेंकती है? रिंग वाले खिलौने फेंकती है। ये माही के बारे में बात कर रही है। ये देखो मेरा रूम। अच्छा आपको अपना रूम दिखाना है? हाँ, ये देखो मेरा। ओके ओके वेरी गुड। अच्छा पढ़ाई कर लिया आपने? हाँ। अभी मम्मा आएंगी, ठीक है, पढ़ाई करना अच्छे से, डांट नहीं खानी, पढ़ाई करनी। आलू खाऊंगी मैं पहले। आलू खाओगे? बॉयल आलू है ना। बैठ जाओ। नो देखा शरारती है, बहुत शरारती है। चलो ठीक है आप बैठो अपनी पढ़ाई करो, बाद में हम मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय करो। बाय। अब बज रहे हैं रात के 9:30 और हम आ गए हैं ऊपर अपने रूम में। माही का अभी प्ले टाइम है, माही 10 मिनट तक खेलेगी, उसके बाद मैं उसको सुला दूंगी। माही निनी पाओगे ना, स्माइल करके दिखाओ, स्माइल दिखाओ माही, स्माइल दिखाओ माही, मम्मा
स्माइल करके दिखाओ, पहले स्माइल करके दिखाओ, नहीं करोगे फोन नहीं मिलेगा, फोन नहीं मिलेगा। नो, पहले हंस के दिखाओ। ओके ओके ओके, ये लो। मन मर्जी। अच्छा माही, इस पे प्ले करोगे? माही माही, अपने टैडी से प्ले करोगे? अच्छा टैडी 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 के टैडी के साथ खेलो, यहाँ पे बैठो, टैडी के पास बैठो, उसको हगी पालो, हगी पालो, टैडी को हगी पाओ। टैडी को हगी कैसे पाती है माँ? टैडी को हगी की, टैडी को हगी पानी है। ओके पाओ, नीनी करा दो, टैडी को नीनी करा दो। कैसे कराते हैं नीनी? नीनी कैसे कराते हैं? ऐसे। ओ, माओ ने नीनी पाली, माओ ने नीनी पाली। तो लगता है माही को आ रही है नीनी, तो हम अब माही को नीनी कराएंगे। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके बाय बाय।